नमस्कार आप सभी का स्वागत है सी ईब न्यूज़ पर दोस्तों पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय बिलासपुर छत्तीसगढ़ के अंतर्गत में जो भी साथी यहाँ पर शैक्षणिक सत्र दो हज़ार में जून जुलाई में एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए यहाँ पर प्रवेश की प्रक्रियाएं जो है ऑनलाइन आवेदन जो है चालू कर दिया गया है इसके लिए ऑनलाइन आवेदन जो है एक जुलाई 2021 से प्रातः नौ बजे से चालू कर दिया गया है और अभ्यर्थी आगामी 30 सितंबर 2021 हज़ार इक्कीस रात्रि ग्यारह बज के उनसठ मिनट तक इसमें प्रवेश के लिए ऑनलाइन एडमिशन जो है ले सकते हैं यहाँ पर विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए शैक्षणिक सत्र जून जुलाई 2021 हज़ार इक्कीस बाईस के लिए एडमिशन की प्रक्रिया जो है चालू कर दी गई है पंडित सुंदरलाल शर्मा दूरवर्ती शिक्षा के अंतर्गत में विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश यहाँ पर होता है और इसमें जो भी प्रमाण पत्र जो भी सर्टिफिकेट्स यहाँ पर उपलब्ध होते हैं सभी यहाँ पर छत्तीसगढ़ शासन द्वारा मान्यता प्राप्त हैं और दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से आप जो है घर बैठे यहाँ पर विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेकर के यहाँ पर अपना उच्च शिक्षा जो है यहाँ पर अर्जन कर सकते हैं यहाँ पर बीए के लिए एडमिशन होता है जो तीन वर्ष का पाठ्यक्रम होता है बीकॉम के लिए जो कि तीन वर्षीय पाठ्यक्रम होता है बीएससी एस सी जीव विज्ञान में भी यहाँ पर तीन वर्ष का पाठ्यक्रम है बीएससी एस गणित विषय के लिए भी यहाँ पर प्रवेश होता है तीन वर्षीय पाठ्यक्रम है ये भी और बी बी ए में यहाँ पर प्रवेश होता है यह भी तीन वर्षीय पाठ्यक्रम है और इन समस्त पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आपको कम से कम बारहवीं पास होना जरूरी है बी एंड आई एस सी बैचलर ऑफ़ लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस जो कि यहाँ पर स्नातक आपके पास होना जरूरी है ग्रेजुएशन होना जरूरी है तभी आप यहाँ पर एडमिशन ले पाएंगे यह डिप्लोमा पाठ्यक्रम है और एक वर्षीय पाठ्यक्रम है एक साल का यह जो कोर्स है यहाँ पर होता है इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर विभिन्न स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम भी होते हैं पोस्ट ग्रेजुएट कार्यक्रम भी यहाँ पर होते हैं जिसमें अभ्यर्थी एम कर सकते हैं मास्टर ऑफ आर्ट्स में अंग्रेजी विषय के साथ में हिंदी विषय के साथ में संस्कृत समाजशास्त्र राजनीति विज्ञान आदि विषयों में यहाँ पर जो है एम भी कर सकते हैं ये अवधि जो है दो साल की होती है यहाँ पर और इसके लिए आपको कम से कम ग्रेजुएट होना जरूरी है स्नातक होना जरूरी है एम एस गणित यहाँ पर हो सकता है और एम एजुकेशन में भी यहाँ पर होता है एम कॉम भी यहाँ पर होता है और एम भी यहाँ पर आप कर सकते हैं इन समस्त पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए आपको ग्रेजुएशन होना जरूरी है और ये सारे पाठ्यक्रम जो है दो वर्ष की अवधि के लिए यहाँ पर होते हैं इसके अलावा यहाँ पर कुछ पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कार्यक्रम भी पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय बिलासपुर छत्तीसगढ़ के अंतर्गत में यहाँ पर करवाए जाते हैं जिसमें पी होता है जो कि स्नातक के बाद आप यहाँ पर कर सकते हैं एक साल का यहाँ पर कंप्यूटर कोर्स होता है उसके अलावा यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन योग साइंस होता है जो कि एक वर्ष का होता है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन साइकोलॉजी गाइडलाइंस एंड काउंसलिंग होता है यह भी एक वर्ष का होता है पीजी डिप्लोमा इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होता है यह भी एक वर्ष का पाठ्यक्रम है पीजी डिप्लोमा इन मार्केटिंग मैनेजमेंट होता है जो कि एक वर्ष का पाठ्यक्रम है पीजी डिप्लोमा इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन होता है यह भी एक वर्ष का पाठ्यक्रम है पीजी डिप्लोमा इन ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म एंड न्यू मीडिया यह भी एक वर्ष का पाठ्यक्रम होता है पीजी डिप्लोमा इन एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिकेशन यह भी एक वर्ष का यह डिप्लोमा जो है होता है और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन टूरिज्म मैनेजमेंट यह भी एक वर्ष का पाठ्यक्रम है इन समस्त पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आपको कम से कम ग्रेजुएशन ग्रेजुएट होना जरूरी है स्नातक होना जरूरी है के साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर छत्तीसगढ़ी भाषा में साहित्य में पीजी डिप्लोमा कराया जाता है जो कि स्नातक के बाद यहाँ पर एडमिशन आप ले सकते हैं यह भी एक वर्ष का पाठ्यक्रम है पीजी डिप्लोमा इन लेबर लॉ एंड वेलफेयर भी यहाँ पर होता है स्नातक के बाद यहाँ पर आप एडमिशन ले सकते हैं यह भी एक वर्षीय पाठ्यक्रम है पीजी डिप्लोमा इन साइबर लॉ का पाठ्यक्रम भी यहाँ पर होता है जो कि ग्रेजुएशन के बाद होता है और एक वर्ष का पाठ्यक्रम यहाँ पर होता है दोस्तों इसके अलावा यहाँ पर सुंदरलाल शर्मा ओपन विश्वविद्यालय के अंतर्गत में डिप्लोमा कार्यक्रम भी कराए जाते हैं जिसमें यहाँ पर डी होता है डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन जिसमें आप बारहवीं के बाद में यहाँ पर एडमिशन जो है ले सकते हैं और यह पाठ्यक्रम एक वर्ष के लिए होता है और यहाँ पर रामचरित में विज्ञान में सामाजिक उत्थान में एक डिप्लोमा कार्यक्रम भी होता है ये भी एक साल का कार्यक्रम होता है इसमें भी आप बारहवीं के बाद जो एडमिशन ले सकते हैं इसके अलावा यहाँ पर सर्टिफिकेट कोर्स जो है जो कि छः माह का है इसके लिए आपको स्नातक होना जरूरी है और बी कॉम यानी कॉमर्स में आपको ग्रेजुएट होना जरूरी है ये जो है सर्टिफिकेट इन गुड्स एंड सर्विस टैक्स जी के लिए छः माह का पाठ्यक्रम भी यहाँ पर कराया जाता है आपको विस्तृत जानकारी वेबसाइट डब्ल्यू पर प्राप्त हो जाएगी जहाँ पर जाकर के आप विभिन्न जो है इसके लिए प्रवेश विवरणिका देख सकते हैं जिस प्रवेश विवरणिका में आपको इन संबंधित पाठ्यक्रमों की परीक्षा शुल्क जो है और एडमिशन शुल्क जो है सारी जानकारियाँ आपको वहाँ पर उपलब्ध हो जाएंगी कि इन पाठ्यक्रमों के कितने कितने शुल्क जो है आपको यहाँ पर भुगतान करने होंगे आपको प्रवेश के संबंध में पूरी जानकारी वेबसाइट पी एस एस ओ यू डॉट ए सी डॉट इन से प्राप्त हो जाएगी यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन भरने के संबंध में आपको दिशा निर्देश दिया गया है इन दिशा निर्देशों को आप फॉलो करते हुए ऑनलाइन एडमिशन जो है आप घर बैठे यहाँ पर ले सकते हैं और दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से आप अपनी शैक्षणिक योग्यताओं को जो यहाँ पर बढ़ा सकते हैं ऑनलाइन एडमिशन के लिए यहाँ पर लिंक जो है ओपन हो गए हैं और ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2021 रखी गई है दोस्तों इसके अलावा यहाँ पर पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय बिलासपुर छत्तीसगढ़ के अंतर्गत में बी और डी पाठ्यक्रम भी कराए जाते हैं इसमें प्रवेश के लिए अभी इसके ऑनलाइन आवेदन जो है चल रहे हैं अभ्यर्थी यहाँ पर इकतीस जुलाई दो तक ऑनलाइन माध्यम से अपना ऑनलाइन एडमिशन और काउंसलिंग फार्म जो है यहाँ पर भर सकते हैं इस वर्ष जो है ऑनलाइन एडमिशन सह काउंसलिंग फार्म जो है यहाँ पर भराया जा रहा है इच्छुक अभ्यर्थी यहाँ पर 31 जुलाई 2021 तक इसमें ऑनलाइन आवेदन जो है कर सकते हैं दूरस्थ शिक्षा पाठ्यक्रम के अंतर्गत में पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय बिलासपुर छत्तीसगढ़ के अंतर्गत में द्विवर्षीय पाठ्यक्रम बी एड और द्विवर्षीय पाठ्यक्रम डी जो कि दूरवर्ती कार्यक्रम है इनमें भी आप प्रवेश जो है यहाँ पर ले सकते हैं परीक्षा के लिए आपको यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन सह काउंसलिंग फार्म भरना होगा जिसके लिए अभ्यर्थियों को एक हज़ार रुपये का शुल्क जो है ऑनलाइन माध्यम से यहाँ पर भरना होगा दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से बी और डी पाठ्यक्रम में प्रवेश के संबंध में आपको विस्तृत जानकारी के लिए इसका पी जो है वेबसाइट पी पर प्राप्त हो जाएगी जिसमें आप चयन प्रक्रिया और समस्त जानकारियां जो है आप वहां पर प्राप्त कर पाएंगे सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय बिलासपुर छत्तीसगढ़ के अंतर्गत में प्रवेश के संबंध में विस्तृत जानकारियों के लिए आपको वेबसाइट का लिंक साथ ही साथ में इन पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में प्राप्त हो जाएगा जहां से आप जाकर इन्हें बारी बारी से डाउनलोड कर सकते हैं तो दोस्तों आज की में बस इतना ही मिलते हैं अन्य रोजगार समाचार और ढेर सारी जानकारियों के साथ में तब तक के लिए जय हिंद